अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप? अमीर तो आप सब खैरियत होंगे। फ्रेंड्स, एक ये एलुमिनियम का सीलर है जो बहुत ही कम बजट में आप लेके अपने प्रोडक्ट को सीलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका, सबसे पहले इसको आपने 220 बाफ्टा पे लगा देना। जैसे ही आप लगा देंगे, आपने इसका ये बटन ऑन कर देना। ये दोनों इंडिकेटर हमारे ऑन हो जाएंगे। ये इसका जो टेम्परेचर है, इसको आपने सेट कर लेना है। इस वक्त मैंने तीन आपकी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स होगी, उसके हिसाब से आपने इसको करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इस वक्त तीन अपनी मुख्तलिफ जो कैंस हैं वो सेट किए हैं। एक में मैंने पीवीसी मटेरियल डाल दी है, छोटा ये बड़ा जा रहा है, ये छोटा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद दो में मैंने ये इस वक्त पानी डाल दिया। ऐसे आपने पानी इसमें फिल कर देना है। और ये हमारी रही एलुमिनियम की जो सील होती है, ये वो है। अभी इसके लिए हमें कुछ टाइम चाहिए होगा ताकि ये हीट हो जाए, इसके लिए हमें वेट करते हैं। ये हमारी सील है, ठीक है। ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी, आप हमसे भी बाय कर सकते हैं। और ये हर साइज़ के हिसाब से मुख्तलिफ आती हैं। तो ये मैं कुछ पीस अपने निकाल देता हूँ छोटे जार के लिए। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से पैकेट आएगा, 1000 पीस का ये पैकेट होता है। तो ये मैंने निकाल दी अपने छोटे पीस के लिए। और ये एक हमारा बड़ा जार है, ये मैंने बड़े जार के लिए पीस निकाल दिया। तो फ्रेंड्स, आपने जस्ट इसको प्रेस प्रेस करना है। जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी आपने डाली होगी, आपने ऐसे इसके ऊपर प्रेस कर देना है। ये रहा हमारा बड़ा जार, इसी तरह हम इसके ऊपर भी लगा देंगे। अब हम कुछ टाइम वेट करेंगे ताकि ये हमारा जो मशीन है, इसका ये हीटर है, ये कंप्लीट हीट कर ले अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड, ये हमारा जार है, ये हमने ऐसे इसके ऊपर पीस रखेंगे, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, रखा। और आपने इसके नीचे रख के इसको प्रेस कर देना। उसके बाद ये हमारा इसके ऊपर, ये आप देख सकते हैं, हमारी सेट हो गई है। उसके बाद जो भी इसका कैप होगा, छोटे साइज़ में या बड़े साइज़ में, वो आपने जस्ट इसके ऊपर ऐसे टाइट कर देना। ये आप देख सकते हैं, हमारी इसके ऊपर सील लग गई है, अब ये गिरेगा नहीं। इस तरह आप पैकिंग के लिए किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह मैं बड़े जार को भी करके बताता हूँ आपको। ये हमने छोटा किया, बड़े जार के लिए आपने इसकी थोड़ी सी हाइट को अप कर लेना है। मैं इसकी हल्की सी हाइट अप कर लेता हूँ, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से आपने इसको सेट कर लेना। ये मैंने किया, ये इसकी सील मैंने ऊपर लगाई और इसको भी मैंने ऐसे प्रेस कर दिया। तो ये हमारी देखें, बड़े के ऊपर भी सील लग गई है। अब इसी तरह अगर आप पानी की प्रोडक्ट है, जैसे वाटर है, लिक्विड वगैरह कोई भी चीज़ है, तो उसके लिए मैं इसकी हमारी छोटी कैन है, ये देखें, इसमें मैंने पानी डाल दिया और ये मैंने सील लगाई। ये हमने सील लगा दी, ये हमारी सील लग गई है, अब ये पानी गिरेगा नहीं। ये आप देख सकते हैं, लिक्विड मैंने इसमें डाल दी है। और ये हमारी दूसरे बड़ा जार है, इसको भी सेम ऐसे सर कर देते हैं। ये हमारा बड़ा जार भी इस वक्त सील हो गया। अब ये देखें, तो इस मशीन को इस्तेमाल करते हुए अगर आपकी कोई लिक्विड फॉर्म में प्रोडक्ट है, उसको आप सीलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी में, चाहे वो लिक्विड हो या किसी भी तरह की आप पैकिंग करना चाहते हो, उसके लिए बहुत ही परफेक्ट मशीन है। अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर को रब्ता करके आप इसको परचेज कर सकते हैं। डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान की अवेलेबल है। शुक्रिया। ताज टेक्नोलॉजीज को फॉलो करें और बेल के बटन को प्रेस करें।